नमस्कार, न्यूज़ प्रिंट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत मिश्रा। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं इस समय DIG ऑफ जम्मू सुजीत सिंह हमारे साथ इस समय मौजूद है। जानेंगे सिक्योरिटी नॉर्म्स के बारे में, जानेंगे बंदोबस्त के बारे में कि किस तरह से बंदोबस्त लगाया गया है। स्वागत है आपका JK न्यूज़ पॉइंट में। सबसे पहले तो सिक्योरिटी नॉर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे कि बंदोबस्त के ऊपर। थैंक यू, आपने स्वागत किया, आपका भी स्वागत है मेरे ऑफिस चैम्बर में। क्या जानना चाहते हैं सिक्योरिटी नॉर्म के ऊपर? कितना बंदोबस्त तैनात किया गया, पुलिस कर्मियों की बात करें या आर्मी की बात करें, कितना बंदोबस्त है? पूरे बंदोबस्त का जो ब्यौरा मैं सिक्योरिटी रीजन से मैं उतना नहीं शेयर कर पाऊँगा, लेकिन जो पब्लिक को और हमारे देशवासियों को जो यात्रा करने आ रहे हैं उनको जानना चाहिए, लखनपुर से लेकर बनिहाल टनल तक जो नेशनल हाईवे हमारे पास आता है उसमें तीन जो मेजर, एक लखनपुर है, दूसरा भगवती नगर है और तीसरा उधमपुर से आगे जो इलाका बनता है नासरी तक का, इस पूरे इलाके में सबसे पहले तो जो हमारा बॉर्डर का एरिया आता है, बॉर्डर एरिया को हम लोगों ने प्रॉपरली सील किया हुआ है। 3 लेयर सिक्योरिटी, फर्स्ट BSF, दूसरा आर्मी, तीसरा पुलिस के अपने नाके हैं जिसको बॉर्डर पुलिस पोस्ट बोलते हैं। उसके अलावा आता है हाईवे जो 4th लेयर है। पूरे हाईवे की एक मैपिंग की गई है कि किस इलाके में ज़्यादा दहशतगर्दी या वल्नरेबिलिटी है, उन इलाकों पे एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात किया गया है। उसके अलावा जहाँ यात्रियों को ठहराया जाएगा या जहाँ यात्रियों के लंगर हैं, जहाँ उनका जमावड़ा होगा, उन जगहों पे ख़ास तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो इस बार 2 नए मेजर्स लिए गए हैं वो ये है, पूरे हाईवे को जितने डिस्ट्रिक्ट स्कैटर कर रहे हैं सबको BP स्कॉर्पियो दिया गया है, जो कि न सिर्फ एस्कॉर्ट व्हीकल के तौर पे काम करेंगे बल्कि बंकर के तौर पे भी काम करेंगे। और दूसरा जो अहम फैसला लिया गया है वो ये है कि जितने भी लैटरल एंट्रीज़ हैं, यानी हाईवे को ज्वाइन करने वाले जितने भी रास्ते हैं, उन सभी रास्तों को भी हम लोग ब्लॉक करेंगे। ओके। हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दौरा किया, घाटी का दौरा किया, इसके बावजूद भी, इतना सब करने के बावजूद भी अभी पीछे जो CRPF बटालियन के ऊपर हमला हुआ, 5 जवान शहीद हो जाते हैं, ऐसे में बाहरी जो श्रद्धालु आएंगे अमरनाथ का जाने के लिए, तो उन्हें कैसे आप सिक्योर की वो आप आश्वासन देते हैं? देखिए, ये घाटी का सब्जेक्ट है, यहाँ पे घाटी का ऑफिसर ही इसको अच्छी तरह बता पाएगा वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम है। जम्मू में अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया है, लखनपुर से लेकर उधमपुर के पूरे इलाके में, और इस बार भी जो मैंने इंतज़ाम आपको दिए हैं बताए हैं, इस बार भी हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे कि अभी हार्डली लास्ट टाइम देखने के लिए मिला था कि एक जो यात्रियों भरी बस थी उसके ऊपर हमला होता है, वो जो बस थी वो बिना रजिस्टर्ड की थी, वो कहीं रजिस्टर नहीं थी, लेकिन इस बार जो बाहरी जो यात्रु आ रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर के, क्या पर्सनली हो क्या बसेस हो, क्या इन सब का रजिस्ट्रेशन किया गया है क्या बाकायदा, आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, इस बार जो गाड़ियाँ आएंगी उसमें जो छोटी गाड़ी होंगी, जो प्राइवेट इंडिपेंडेंट व्हीकल्स होंगी, वो एक लेवल तक, शुरुआती दौर में लोग बोलते हैं कि मैं वैष्णो माता का दर्शन करने जा रहा हूँ, फिर दर्शन के बाद फिर अमरनाथ की तरफ निकल जाते हैं वो, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग इस बार रोक लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही उधमपुर में वो ज्वाइन करेंगे वहाँ से उनकी प्रॉपर मार्किंग हम लोग करके भेजेंगे, तो रजिस्टर्ड वो होंगे ही होंगे। बिल्कुल, यानी कि पूरी सख्ती से पेश आया जाएगा, लेकिन जाना चाहेंगे जैसे बस स्टैंड में अभी पीछे ग्रेनेड हमला हुआ, अभी यात्रा शुरू हो चुकी है, बस स्टैंड में भी काफ़ी चहल पहल रहेगी। CCTV कैमरों की अगर बात करें तो जैसे कि लास्ट टाइम देखा गया था कि CCTV कैमरास कुछ ख़राब थे बस स्टैंड के, क्या उन्हें दुरुस्त किया गया, क्या क्या सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए? जी, CCTVs वाकई आपने सही कहा, मैक्सिमम जो हमने इस्टेब्लिश करवाए थे 70-80% CCTVs अभी नॉन फंक्शनल हो गए थे, उनको दोबारा शहर की लाइटिंग, CCTVs, सड़कें, इन सब को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया है, और मुझे उम्मीद है कि जब यात्री हमारे यहाँ आएंगे तो आपको ये चीज़ें दुरुस्त मिलेंगी। बिल्कुल, जैसे कि कंफ्लिक्ट एरियाज़ हैं अनंतनाग से ज़्यादा, ये सब जो शरारती तत्व तो देखने के लिए मिलते हैं, इन्हें रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे इन्हें रोका जा सके? मैंने वाकई फिर अब बोला कि ये कश्मीर का मुद्दा है और ये DIG साउथ कश्मीर रेंज के अंदर में आता है, तो इसके लिए वही ज़्यादा अच्छी तरह जवाब दे पाएंगे कि एस DIG साउथ कश्मीर रेंज या कश्मीर पुलिस इसके लिए क्या कर रही है। जम्मू के लिहाज से मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हमने इन सब तमाम चीज़ों का एक खाका बनाया है, रिस्क असेसमेंट, थ्रेट असेसमेंट किया है और उसके मुताबिक हमारी रणनीति बनकर तैयार है। एक आखिरी सवाल, जो भी तमाम सारे दर्शक जो JK न्यूज़ पॉइंट को देख रहे हैं, जो भी श्रद्धालु देख रहे हैं, क्या राज्य के बाहर
कैसे आप अपील करना चाहोगे कि आप आओ, सिक्योर है, सब ठीक है, बेहिचक होकर के आइए, क्या टूरिज़्म की बात हो, क्या बाबा अमरनाथ के दर्शन की बात हो? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम यात्रियों को जम्मू कश्मीर पुलिस के जम्मू डिवीज़न की ओर से मैं सबको आश्वस्त करूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह तैयार है आपके न सिर्फ स्वागत के लिए बल्कि आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए भी। हमने लखनपुर से लेकर और जवाहर टनल बनिहाल तक के पूरे रास्ते को, बेशक अभी कुछ जगहों पर हाईवे पर प्रॉब्लम है, लेकिन हमने उन सबकी मैपिंग करके और इमरजेंसी और क्राइसिस के टाइम की सारी स्ट्रेटजी बनाई है। आप बिल्कुल भोले बाबा के प्रति श्रद्धा फेथ रख कर आइए, हम आपको एक अच्छा अनुभव देंगे, आप आध्यात्मिक अनुभव का लाभ उठाइए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे सुजीत सिंह DIG, जिन्होंने आश्वासन किया है कि सुरक्षा के लिहाज से कतई चूक नहीं होगी, आप बेहिचक आइए बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए, और जो भी शरारती तत्व हैं ज़रा संभल जाएं, जो शेरों का दल है आर्मी, जिन्हें पूरी छूट दी गई है इन्हें नस्से नाबूद करने के लिए, बख्शा नहीं जाएगा, सीधा जहन्नम का रास्ता दिखाया जाएगा। मैं सुशांत मिश्रा फिर मिलूंगा, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।